गिफ्ट करने का मौका मिला है मोतिहारी बिहार के खिलाड़ी को। ये काफी नजदीकी मामला है, सारे खिलाड़ियों का सपोर्टिंग खिलाड़ी पहुंच चुके हैं डी बॉक्स के अंदर। देखना है क्या गोल खिलाते हैं। एक लंबा शॉट आ चुका है, इतनी शॉट लेग कीपर ने पंच आउट कर चुका है और इससे हमारे नगर ग्राम के खिलाड़ी बॉल को निरस्त किया। फिर भी हमारे मोतिहारी खिलाड़ी के है बॉल, फिर दोबारा अपना सपोर्टिंग खिलाड़ी को खिलवा कर खतरा पर डाल सकता है। लंबा शॉट लेने के प्रयास लेकिन कोई मौका नहीं। अरुण कुमार साइड का इशारा करते हुए सिक्सर रेफरी के द्वारा साइड बॉल। और इस तरह से दल अभी हमारे नवोग्राम के खिलाड़ी आगे के ओर अपने सपोर्टिंग खिलाड़ी को खिलवा चुका है। सपोर्टिंग शॉट लेते हुए मैदान के बीच में एक दूसरे को चिन्ह कर आगे ले जाने के प्रयास में है और इस अपना सपोर्टिंग खिलाड़ी को खिलवा चुका है हमारे बिहार के खिलाड़ी। और इस सबसे पहले अपने नौ नंबर खिलाड़ी बॉल से पीछे यानी गोलकीपर के यहाँ पहुँच चुका है। गोलकीपर अपना सपोर्टिंग खिलाड़ी को खिलवा चुका है। लेफ्ट स्टॉपर खिलाड़ी के यहाँ बॉल है, लेफ्ट स्टॉपर खिलाड़ी अपने सपोर्टिंग को देखने के लिए अपने सपोर्टिंग को कौन सा सपोर्टिंग को पासिंग करेंगे। और राजा ने अपने सपोर्टिंग खिलाड़ी को खिलवा चुका है सात नंबर लेकिन वापस हो चुका है मैदान के बीच। और इस तरह से बॉल मोतिहारी बिहार के खिलाड़ी को दस नंबर खिलाड़ी को बॉल मिला, अपने सपोर्टिंग खिलाड़ी को दे चुका है, खतरे पर डाल सकता था लेकिन वापस। उसी फिर कोने पर पॉइंट करने का मौका लेते हुए देख रहे हैं दोनों का मैच काफी बेहतरीन तरीके से। एक अच्छा खेल का मौका मिला है और इससे बॉल हेटर के द्वारा निरस्त किया बॉल को वापस मैदान के बीच में। और इस वजह से लिंक के खिलाड़ी ने बॉल को ब्रेक किया है। ये गोलकीपर के यहाँ बॉल गोलकीपर फाजिल के हैं बॉल को वापस करते हुए और उससे बड़ा हमारे एक दूसरे को छीते लेकिन बैक पास करने के बाद गोलकीपर ने हवा में उछाल चुका है बॉल को और वहीं पर एक फाउल का डिसीजन। हाई प्रेशर बॉडी के चलते वहां पर एक फाउल का इशारा करते हुए और सब कुछ मैदान पर बॉल है और इस तरह से बड़ा बेमार दृष्टि वाले को बॉल मिला था लेकिन वहीं पर एक फाउल का डिसीजन लेते हुए मैच रेफरी के द्वारा। तो देखना है काफी मेहनत करना होगा, बॉल को मोमेंट को बनाना पड़ेगा तभी मैदान में गोल हो सकता है। और इससे पहले फ्री किक करने का मौका मिला है ये बिहार के खिलाड़ी को। एक लंबा सा लेकिन डिफेंडर ने बॉल को हेडर के द्वारा बॉल को मिस कर फिर दोबारा आक्रमण करने के प्रयास कर रहे हैं हमारे मोतिहारी बिहार के खिलाड़ी लेकिन वहीं पर ऑफसाइड का इशारा करते हुए सिस्टम रेफरी के द्वारा। काफी मेहनत काफी जोश के साथ ले जाते हैं लेकिन ऑफसाइड का इशारा इन वक्त में ऑफसाइड करने का कहा आया है और लंबा शॉट लेते हुए मैदान के बीच में हेटर के द्वारा वापस करते हुए हाई प्रेशर का एक फाउल किक करने का मौका मिला हमारे नवोग्राम के खिलाड़ी को। एक लंबा शॉट डी बॉक्स के अंदर जाते हुए हेटर के द्वारा वापस करते हुए हमें बिहार मोतिहारी के और बीच मैदान पर और इस तरह से बॉल बहुत ही अच्छी बाउंस होने के बाद सीधे पश्चिमी छोर पर सीधे टच लाइन से बाहर बॉल। व्हाट अगेंस्ट थ्रो इन करने का मौका मिलेगा नीला पन तो आउट थ्रो इन का मौका अनुवासपति हेट रोड का बॉल दो आशी दो टच लाइन से बाहर से बॉल दो पारों का आउट पन्ना मौका के नाम का राजर्षी नवोग्राम अनुवासी विश्व ज्योति बॉल दो चितान ते शॉट अपील कर बॉल चितान शॉट अपील हेट रोड ना करूं तो अनुवासी विश्व ज्योति चेस डाउन ना करूं अनुवासी का नवोग्राम कब्जा रेट बॉल दो मिला
अभी नपाई के साहस से शॉट कर बॉल, लेकिन गोलकीपर ने सेव किया बॉल। अच्छी किकिंग गोलकीपर के द्वारा और मैदान को बीच में बिहार और बंगाल ना बॉल का टीम बनियल या मेकन अनुवासन के शॉट लाओ पादा बॉल दो डिफेंसिव पे नहीं बचला चला अनुवासन के उसका नॉन नहीं था डिफेंसिव प्लेयर के ग्राम कल का तो मोती हरी खिलाड़ी ग्राम पादा बॉल बैक पास कर दिया बैक पास करते लिंग का नकाश करना की दिए कल मीट एंड छक्का पारम का दिया अनुवासन के उसका टाइम पे पास करा ये लबन उन्हें के बढ़िया छक्का पारम का टाइम बैक पास करते बैक पास करते हरी खिलाड़ी एम पादा बॉल तो ये लबन लुकिंग कला ना करते दिन बेहतरीन तरीके से लहा से दिन अपने अनुवासन को ने रही चीना अनुवासन के संग से बॉल मारनी तो मोती हरी कब जारी के बॉल बहुत तेरे कब जाकर शॉट लाहू का टाइम खिलाड़ी से ये लबन के चिका करे कम अनुवासन से आ रहा जस्टी वाले शॉट को लुकिंग अपन टाइम खिलाड़ी से अनुवासन के ने तो जाम को लाहू मोती हरी रिंग करी अब मोती हरी का रिंग कैन पड़म पारम करते लेकिन अनुवासन के तैयार नहीं तो जाम का नोगो ग्राम रिंग करी अनुवासन में नोगो ग्राम ने रिंग की ना अनुवासन के तेरा नहीं तो आर्मी तो नहीं जाम का मोती हरी रिंग करी अनुवासन के सब जाम नहीं फाउल डिसीजन मैच रेफरी का बिगेट फाउल में शॉट को नाम पता मोतियारी बिहार इंकारी हेड रोड की दाई बॉल नौ ग्राम रन करी अनु आसन उसका नाम नौ ग्राम रन करी नाम पता अन्य नकार अनु आसन उसमें भी शॉट पार करूं तो नौ आसन ये लगभग लुकिंग तला ना करते बेहतरीन गति लेकिन नौ आसन उसे हाई प्रेशर में गति सुनिश्चित नहीं थी पड़ेगी इशारा मैच रिप्रेशन को तो ये लगभग लुकिंग तला ना करते थे लेकिन लेफ्ट पापड़ छका चकना चूरना पापड़ जम का मुझारे मुझे अनुवासन के हेड रोड ना करूं तो अनुवासन के सिर्फ हेड चितान कर बोल दो खतरा मंडराव दलिया लेकिन गोलकीपर सेफ की दाय एमडी फाइजल अनुवासन के सिर्फ भी बोल दो शॉट गोल करा को बोल दो अनुवासन के सिर्फ उत्तर नकाशे चलाओ करा बोल दो उत्तर नकाशे शॉट लाओ तक ही करा मुझे की दाय आशी के गोल लाइन को बारिश से बोल पा সেই সঙ্গে সঙ্গে দেখা যাক এই যে আমাদের এখানে
नौ गोलकीपर का निजे आगे तुले देवर चेष्टा निजे का गोलकीपर की कल मैच मटे तुले गेसे बल खेल सरसरी चलते हेड तुले देवर चेष्टा मोतिहार खेला से ही शून्य समय एखो फिरत किक कर से बल से ही शून्य समय एखो माज मटे बल खतरनाक होते परे गोलकीपर की करलो खतरनाक टेले दिए बल से ही संगे संगे एखो मारते बेड़े चले गेसे बल टच लाइन थेके बेड़े चले गेसे बल आउट करे पेयेछे आमादेर नवग्राम खेलोयाड़ নবগ্রামের খেলোয়াড় ত্রোয়িং করলো সেই সঙ্গে সঙ্গে আবার টচ লাইন দিয়ে বেরিয়ে গেছে ওয়ার্স সেকেন্ড ত্রোয়িং পেয়েছে আমাদের মতিয়ারি বিহারের খেলোয়াড় মতিয়ারি বিহারের খেলোয়াড় আউট চাপার সঙ্গে সঙ্গে কি বলো না আর সেন পশ্চিম নাকাশেন আর মিডাম টচ লাইন কে বাইরে সে বল পারম করা আনোয়ার সঙ্গে চেস ডাউন কাদে বল নবগ্রামের কলসা লাহাও কাদে আর কি আইছে লেকিন আমরা তো কি গরম আছে কি না আনোয়ার সঙ্গে সঙ্গে কি বল টচ লাইন কে বাইরে সে বল পারম করা মতিয়ারি বিহারের খেলোয়াড় আর কি খেলোয়াড় আমরা পুরো তো আনোয়ার সঙ্গে তো চিতান্তে আছে কেন বল তো ইয়েলা বল মুকিন তালা লাগা করে অনেক দিন কেন হাই প্রেসার মানে ফাউল ইশারা মেসি রে ফিচিন তো ठीक कर चुका है मैदान के बीच में लौटा चुका है बॉल को मैदान के बीच में दोनों छोर की गाड़ी दूसरे पर दबाव डालने के प्रयास कर रहे और इस तरह से बोला गया सात नंबर खिलाड़ी सपोर्टिंग खिलाड़ी को खिलवा चुका है बारह नंबर खिलाड़ी आगे को ले जाने के प्रयास और उसी छोर पर और इससे लंबा शॉट क्लियर कर चुका है लेकिन गोलकीपर ने बॉल को सेव कर चुका है कोई मौका नहीं एक लंबा शॉट लेने के प्रयास लेकिन सीधे गोल लाइन से बाहर बॉल बहुत ही धीमी गति से खेल चलता हुआ बहुत सूझबूझ के साथ हंडे के जमा गए हंडे के कोई को